बजट पर इटेनॉल स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर की। बजट में सरकार 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी डालने का ऐलान कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनुराग शाह। चार में से 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को पूंजी की दिक्कत है और इनकी जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA की जो तय लिमिट है 1.5%, उससे काफ़ी नीचे है और पिछले एक साल से ये कंपनियां घाटा पेश कर रही है, मुनाफे में नहीं है, घाटा लगातार इनका बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए आने वाले बजट के अंदर जो 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, इनके अंदर सरकार पूंजी डालने का ऐलान कर सकती है। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पूंजी 4,000 करोड़ के करीब हो सकती है। पिछले बजट के अंदर भी, मतलब FY20 के बजट के अंदर भी सरकार के द्वारा इन कंपनियों के अंदर पूंजी डालने का ऐलान किया गया था और अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें इन कंपनियों को पूंजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा दरकरार है। इसके अलावा जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो एक कंसल्टेंट नियुक्त किया EY, उसके द्वारा भी सुझाव दिया गया है कि इन कंपनियों को तुरंत पूंजी की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आगे सरकार का फैसला है, जो आगे जो इन 3 कंपनियों को लेके जो सरकार की प्लानिंग है, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बजट के अंदर इन 3 कंपनियों के अंदर पूंजी डालने का सरकार ऐलान कर सकती है। शुक्रिया अनुराग इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। अब इस खबर के बाद अब बात करते हैं आम बजट से लोगों और ट्रेडर्स समेत इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। सबसे पहले बात आम लोगों की। हर बार की तरह लोग राहत के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं। महंगाई में इजाफे से गृहिणियों के घर का बजट बिगड़ गया है। ऐसे में उनकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट में छूट का ऐलान हो सके ताकि महंगाई की मार से उनको राहत मिल सके। कानपुर से लेकर कलबुर्गी तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक हम आपको देश के अलग अलग शहरों और इलाकों से लोगों की आवाज़ सुनाते हैं जो बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमारी सरकार से यही आग्रह है कि जहाँ पर पिछले तिमाही में 1,60,000 करोड़ GST संग्रह हुआ है, कलेक्शन हुआ है, तो कुछ छूट आम जनता को मिलनी चाहिए। जो 30 लाख के नीचे मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, कम से कम ब्याज कम कर दें। जो बीच में जो ब्याज दर बढ़ी है उसे कम से कम कर दें। सर जी, हम तो चाहते हैं कि राशन का सामान जो भी है, थोड़ा बहुत जैसे आटा हो गया, दालें होगी, ज़्यादातर तेल हो गया, महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जैसे सब्जियां इस सीज़न में बहुत कॉस्टली आ रही हैं, जैसे कोई भी सब्जी ले लो, आम जनता को, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं कर पा रहे हैं। चावल ले है, सिर्फ 5 kg है, 5 kg में कैसा चलता है एक महीना, तो इतने महीने से 10 kg दे देते, अचानक वो 5 kg कर दे, चलता नहीं है। नहीं, ये बजट के लिए हमको बहुत तकलीफ होता है। दिन को दिन सिलेंडर का रेट जंप होता है, वो बजट हुआ तो घर का रेंट ज्यादा होता है, हम डेली कैसा देना, बहुत तकलीफ होता है हमको। तो सुनिए आपने बजट पर आम लोगों की राय। बजट से राहत की उम्मीदें लगाए तो छोटे व्यापारी, हैंडलूम वर्कर्स, MSME सेक्टर के लोग भी हैं। मंदी की दस्तक को देखते हुए इन्हें अपने कारोबार में इजाफे के लिए राहत भरे बजट का इंतजार है। हम आपको आगरा के फर्नीचर बिजनेसमैन, वाराणसी के हैंडलूम वर्कर्स और ट्रेडर्स समेत कर्नाटक कलबुर्गी के APMC ट्रेडर्स की उम्मीद भरी आवाज़ों को सुनाते हैं। बजट के लिए ही सरकार से अपील करते हैं कि व्यापारियों के लिए जो टैक्स सेबल इतना बढ़ा हुआ है, टैक्स सेबल को कम होना चाहिए, जिससे कि जो सामान बेचने में हमें दिक्कत होती है उसके अंदर उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में हमें बेचने में बहुत दिक्कत आती है। हम फर्नीचर से जुड़े व्यापारी हैं, हम चाहते हैं फर्नीचर, फॉर्म, गद्दे वगैरह में, इसमें वित्त मंत्री द्वारा इसमें बजट के अंदर स्लैब को कम करा जाए, जिससे एक आम आदमी को भी बेनिफिट हो और इसके सेल वगैरह का इसका ज़्यादा वो निकले और व्यापार भी इसमें की तरक्की होगी। इसमें ये चीज़ चाहते हैं। इस वक्त तो दिक्कत बहुत है, बत्ती का बिल इतना आ रहा है, कहाँ से हम लोग भरेंगे। 200-250 रुपया काम कर रहे हैं, बत्ती का बिल आ रहा है 2,000-2,500 है। अब हथकरघा का खाली नाम है, हथकरघा का ऑफिस खुला हुआ है, कोई मदद नहीं। हम लोग की मांग है बिजली जो हम लोग सस्ता मिले, जैसे पहले मिलती थी उससे सस्ता मिले बिजली,
अब बिजली महंगा होने की वजह से बहुत परेशानी में हम लोग पड़ गए हैं। और बजट से उम्मीद लगभग हर वर्ग को है। माया नगरी मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी ड्राइवर्स को बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए जान लेते हैं। तो सोचता हूँ कि हर चीज कम होना चाहिए, पब्लिक परेशानी, सब पब्लिक है, छोटा बड़ा सब परेशान है, कम तो होना जरूरी है। ये गैस पेट्रोल पे भाव कम होना चाहिए और महंगाई बहुत है, अभी को कम भी होना चाहिए और डबल हो गया है भाव। ये सीएनजी अभी देखो कितना 60 था, अभी 90 हो गया है।